तो भाइयों बहनों, अगर नेताजी की कृपा रही तो मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मेरी नौकरी बच सकती है या नहीं भी बच सकती है। इसीलिए आज मैं जो कहना चाहती हूँ वो कह देती हूँ। ये है नेताजी तीर्थ मित्तल, जो कि अमीर हैं, इज्जतदार हैं और ऐसे बाप के बेटे हैं जिसने अपने बहू पर खुद सुमन जी ने नमकीन किंग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है और इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज है। ये है बड़े लोगों का छोटा सा सच। डर के कहीं चुप गई नेताजी। ठीक कह रहे कि उनकी बीवी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है पुलिस स्टेशन पे आने के लिए। और सुमन जी ने बोलो ये भी झूठ है। दहेज का मामला था क्या? इतनी गिरी हरकत क्यों की आपने? सर बताइए ना मिस्टर मित्तल, क्या ये सच है कि आपने अपने बहू पर हाथ उठाया है? क्या आपने सुमन को मारा है? बताइए मिस्टर मित्तल। बोलिए सर, क्यों वो आपके बराबर नहीं है? क्यों वो आपके बराबर नहीं है? क्योंकि वो एक चाट वाली है। क्या एक लड़की पर हाथ उठाना सही है? क्या एक लड़की पर ऐसे हाथ उठाना सही है? बताइए, बोलिए कुछ। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपको शर्म नहीं है? राय चाहिए इस बारे में? घर पे पता चलता है कि दी का फ़ोन चोरी हो गया है, तो हम घर में फ़ोन ढूंढते हैं, कहीं मिलता नहीं है। फिर दी कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवानी चाहिए, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे पर्सनल चीज़ें होती है, हमारा UPI, बैंक पासवर्ड एंड एक्सेट्रा। तो मैं और दी आते हैं यहाँ पे पुलिस कंप्लेन करवाने के लिए, क्योंकि उनका फ़ोन चोरी हो गया है। और यहाँ आके हम देखते हैं कि चंद्रकांत जी को पुलिस ने पकड़ लिया है और पूरी फैमिली यहाँ है, और जो इंस्पेक्टर है वो उन्हें मार भी रहे हैं। मीडिया है बहुत सारी, उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें पूछ रहे हैं कि आपने क्यों अपनी बहू पे हाथ उठाया। और फिर हम देखते हैं कि एक वीडियो भी है जो सुमन दीदी ने बनाई है, जो उसने बनाई नहीं है, पर हो सकता है कि वो कोई फेक वीडियो हो और वो सबको दिखा रहे हैं। तो हम ये देख के शॉक हो जाते हैं यहाँ पे। वीडियो तो फेक ही है, पर वो फेक वीडियो किसने बनाई और कैसे बनाई वो हमें पता नहीं है। तो सुमन और तीर्थ तो पकड़ लेंगे कि वो फेक वीडियो है, पर वो किसने बनाई वो अब तक पता नहीं चला।